Differentiable function w is equal to f of x y when x is equal to x of t and y is equal to y of t are both differentiable functions of t is given in the following theorem. My dear student, please focus to this main idea. W जो है ना आपके पास एक function of two variable है x और y. W is depending on x and y, but your x is depending on t. X एक तीसरे x is depending on a third variable t. T एक parameter है. देखो w x पर डिपेंड कर रहा है बट x इज डिपेंडिंग ऑन t. सिमिलरली w इज डिपेंडिंग ऑन y बट y इज डिपेंडिंग ऑन t. दिस सम टाइम हैपेंस आर बोथ डिफरेंशिएबल फंक्शंस. डिफरेंशिएबल व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएबल फंक्शंस? हुज डेरिवेटिव एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू t बेसिकली. हुज डेरिवेटिव एग्जिस्ट. अच्छा अब चेन रूल क्या कहता है? थ्योरम नंबर 5 इट सेज दैट चेन रूल फॉर फंक्शंस ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू इंटरमीडिएट वेरिएबल If w is equal to f of x y is differentiable, अगर w जो है ना वो f of x y का एक differentiable function है, and if x is a function of t and y जो ये दो independent variable है ना, they are depending on a third variable which is called parameter, are differentiable functions of t, then the composition w is equal to is a differentiable function of t and अब देखो If you are going to find the derivative of w with respect to t, how what should you do? For example, देखो w x पर depend कर रहा था और w y पर depend कर रहा था, मगर x जो है x, here you can see w is actually depending on x, ठीक है? w x पर depend कर रहा था, but x is depending on t, ठीक है? So, ये इंटरमीडिएट वेरिएबल हो गया, इसमें जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्चुअली डब्ल्यू एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्चुअली टी. सो एक्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वेरिएबल. इसको इंटरमीडिएट कहा था बीच का वेरिएबल. डब्ल्यू इज डिपेंडिंग ऑन एक्स बट एक्स इज डिपेंडिंग ऑन टी. सो मीन डब्ल्यू इज डिपेंडिंग ऑन टी. सो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. चेन रूल आपको एक तरीका बताता है कि W का डेरिवेटिव x के लिहाज से t के लिहाज से कैसे कैलकुलेट करोगे. तो वो बताता है कि W का डेरिवेटिव t के लिहाज से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो W का डेरिवेटिव x के लिहाज से कैलकुलेट करो और x का डेरिवेटिव जो है ना वो t के लिहाज से कैलकुलेट करो. दोनों का प्रोडक्ट लो, टेक देयर प्रोडक्ट एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. ये थ्योरम आपको इस तरह फैसिलिटेट करता है, ठीक है? तो ये आपको कहता है कि अगर आप W का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, अगर आप इस तरह इसका डेरिवेटिव तलाश करना चाहते हो तो उस डब्ल्यू का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लो और एक्स का टी के लिहाज से लो, जमा डब्ल्यू का वाई के लिहाज से लो, जरबे वाई और वाई का टी के लिहाज से लो. तो थ्योरम जो है ना इसका प्रूफ भी मौजूद है, ये इसका प्रूफ है, ठीक है? सो हम इस पर जो है ना कुछ सवाल करते हैं बेसिकली, जस्ट वी गो टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस थ्योरम. Now we are solving example number one. ठीक है बच्चों, तो example number one क्या कह रहा है? Let us first see ये diagram क्या कहता है. Chain rule. Chain rule कहता है कि w जो है ना वो function of x y है. ठीक है, let me maximize this diagram. तो आपका dependent variable हो गया w हो गया, ठीक है? और जो intermediate variables हैं वो x और y है, ठीक है? तो ये डायग्राम बन रहा है. आप इस तरह करें कि W का X के लिहाज से डेरिवेटिव तलाश करें और W का Y के लिहाज से, जबकि Y और X खुद T पर डिपेंड कर रहे हैं. तो आप X Y का T के लिहाज से तलाश करो, X का भी T के लिहाज से. अब आपका W का T के लिहाज से चाहिए. असल में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल W है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बेसिकली T है, मगर इंटरमीडिएट वेरिएबल जो बीच के वेरिएबल आ रहे हैं वो X और Y है. तो अगर आप W का T के लिहाज से डेरिवेटिव तलाश करना चाहते हैं तो W का X के लिहाज से, X का T के लिहाज से, दोनों को, और ये वही डायग्राम बन रहा है. तो चलिए इसको एक एग्जांपल करते हैं. इस पर एग्जांपल चेन रूल पर ये है, यूज द चेन रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ W इज इक्वल टू एक्स वाई. इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव तलाश करना है विद रिस्पेक्ट टू T, वो T के लिहाज से तलाश करना है. और X जो है इट डिपेंडिंग ऑन T and cause of t and y is also function of t. What is the derivative's value at t is equal to pi by 2? It may have applications, okay? Iske applications ho sakte hain different. Agar iske calculation hum seekhte hain. We apply the chain rule to find the derivative of w with respect to t as follows. Dekho formula aapko yaad hai. W ka derivative x ke lihaz se, magar x ka derivative t ke lihaz se. Ab dekho yahan dekho partial ka symbol laga hai.
पार्शियल का, क्योंकि डब्ल्यू पार्शियली एक्स पर डिपेंड कर रहा है मगर एक्स टोटली टी पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सिंबल में आप लोगों ने जो है ना इसको समझना है, बहुत आसान है। डब्ल्यू का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से पार्शियली मगर वाई का टी, क्योंकि वाई सिर्फ एक पर डिपेंड कर रहा है। अब आप देखो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई का, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, वो एक्स वाई है, और ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, कॉस टी, ये प्लस है, प्लस का सिंबल है, डब्ल्यू की एक्स वाई है तो इसका वाई के लिहाज से, और वाई की वैल्यू क्या है, साइन टी। तो अब बहुत आसानी से कैलकुलेशन करके जो है ना डब्ल्यू का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो टी के लिहाज से। तो एक चेन रूल जो है वो आप लोगों ने पढ़ा। बेसिकली चेन रूल क्या है, चेन रूल का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आपका जो मैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये सामने आ सकता है आपके कैलकुलेशन में, आपका एक वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो दो वेरिएबलों पर इनसार कर रहे हैं मगर वो दो वेरिएबल जो है ना एक तीसरे वेरिएबल पर, अब आपका इंडिपेंडेंट ये बन गया और ये उस पर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टी पर। अगर आप इस डब्ल्यू का टी के लिहाज से डेरिवेटिव तलाश करेंगे तो चेन रूल बेसिकली क्या है, वो एक थ्योरम है जो आपको फैसिलिटेट करता है इंटरमीडिएट वेरिएबल्स को टैकल करने के लिए, और उसका ये बेसिकली आपके सामने एक फार्मूला है, ये फार्मूला है जो कि इस पर हमने एक मिसाल सॉल्व किया। अच्छा अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों आगे देखते हैं, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल में चेन रूल कैसे होगा। तो ये थोड़ा सा मजीद एडवांस हो गया, चेन रूल फॉर अ फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड थ्री इंटरमीडिएट वेरिएबल्स। तो ये उसी तरह उसका एक्सटेंशन है कि अगर डब्ल्यू जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जेड इंटरमीडिएट वेरिएबल है, डब्ल्यू इन पर इनसार कर रहा है एक्स वाई जेड पर मगर एक्स वाई जेड जो है ना वो टी पर इनसार कर रहे हैं, तो आप डब्ल्यू जो है ना, देन डब्ल्यू इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, और उसका डेरिवेटिव आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला देख लें, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू टी कैसे होगा, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई का विद रिस्पेक्ट टू टी, जमा डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड और जेड का विद रिस्पेक्ट टू टी, उसी तरह ये उसकी जनरलाइजेशन है, ठीक है। तो ये चेन रूल फैसिलिटेट कर रहा है हमें। एग्जाम्पल नंबर टू जो है आप खुद देख लें, चेन रूल पर एक एग्जाम्पल है, ये एक फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स आपको नजर आ रही है, इसका डायग्राम भी शायद होगा, हाँ डायग्राम इन लोगों ने बनाया है, लेट मी सी द डायग्राम, ये डायग्राम है, हियर वी हैव थ्री राउट्स, राउट्स फ्रॉम डब्ल्यू टू टी इंस्टेड ऑफ टू बट फाइंडिंग डी डब्ल्यू इज स्टिल द सेम, रीड डाउन। अच्छा ये देखो ये उन्होंने डायग्राम लोगों की आसानी के लिए बनाया है, डब्ल्यू जो है, कैन यू हेयर मी खुर्शीद, यस सर। अच्छा डिपेंडेंट, अब देखो डब्ल्यू जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो थ्री इंटरमीडिएट वेरिएबल पर इनसार कर रहा है एक्स वाई और जेड, मगर एक्स वाई और जेड जो है वो इनसार कर रहे टी पर, तो टी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका बन गया डब्ल्यू। अब आपने करना क्या है, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ताला है मगर डब्ल्यू तो टी पर डायरेक्टली निसार नहीं कर रहा, तो उसके लिए तरीका क्या करेंगे आप, डब्ल्यू का टी के लिहाज से डेरिवेटिव देखो ऑर्डिनरी का सिंबल लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो इसलिए ऑर्डिनरी का सिंबल लगा, और यहाँ पार्शियल क्यों लगा, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई जेड पार्शियली तीनों पर इनसार कर रहा है, तो इसलिए देखो एक्स के लिए ऑर्डिनरी का सिंबल लगा क्योंकि एक्स सिर्फ टी पर इनसार कर रहा है, तो ये ऑर्डिनरी और पार्शियल का तसव्वुर जरा आपको क्लियर होना जाना चाहिए। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये थ्योरम में उसका प्रूफ है, बेसिकली जो पीछे ये थ्योरम गुजरा ये उसका प्रूफ है, हम सिर्फ उसको अप्लाई कर रहे हैं, ये उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये देखो फार्मूला उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। अब देखो ये आपने जो है ना डी डब्ल्यू बाई डी टी कैलकुलेट करना है डेरावेटिव और टी के लिहाज से, मगर W गिवन है वो एक्स वाई जेड पर, जो रिलेशन गिवन है उसमें एक्स वाई जेड है, टी उसमें है नहीं, तो अब W का डेरिवेटिव टी के लिहाज से कैसे कैलकुलेट करोगे, ये अजीब सी बात है, क्योंकि W का जो रिलेशन गिवन है वो एक्स वाई जेड में है, ठीक है, तो अगर कोई बंदा टी के लिहाज से डेरिवेटिव अप्लाई करेगा तो सारा जीरो हो जाएगा। अच्छा एक्स इज कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी एंड जेड इज इक्वल टू टी, ये उनके जो इंडिविजुअल वेरिएबल, और दिस एग्जाम्पल दीज वैल्यूज The values of WT are changing along the path of helix. What is the derived helix? Is the helix is given? Let me show you the helix. ये देखिए बच्चों, helix, इन लोगों ने helix का लफ्ज़ यूज़ किया है. What is helix basically? ये देखिए x is equal to cos of t,
y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी एंड जेड इज इक्वल टू टी, ये थ्री वेरिएबल्स हैं, ये स्पेस में इससे एक शिकल बनती है हिलिक्स। हिलिक्स क्या है? एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। चले हिलिक्स जरा मिलकर देखते हैं कि हिलिक्स क्या चीज है। लेट मी शो यू द हिलिक्स। हिलिक्स इन 3D, हिलिक्स इन 3D, ये हिलिक्स है, दिस इज हिलिक्स, ये हिलिक्स है, ये इसको हिलिक्स कहा जाता है। लाइक स्प्रिंग टाइप शेप जो है ना, ये मैथमेटिक्स में इसको हिलिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये हिलिक्स है, ये हिलिक्स है, ये हिलिक्स है। यू कैन सी पैरामेट्रिक प्लॉट 3D हिलिक्स एंड एस्ट्रॉइडल स्फीयर। ये देखो, ये हिलिक्स है। ठीक है, तो ये हिलिक्स शेप इन लोगों ने हमें दिया है। ठीक है, और इस पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव तलाश करना है। इस बात पर कुछ इस तरह जो है ना इनका क्वेश्चन बन रहा है। तो चेन रूल स्टेट फॉरवर्ड उसकी एप्लीकेशन, यूजिंग चेन रूल फॉर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल फॉर, सो इसमें वही फार्मूला है डी डब्ल्यू ओवर डी टी, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डब्ल्यू तो टी पर डायरेक्टली निसार नहीं कर रहा था, तो इसलिए ये वाला फार्मूला लगेगा। डब्ल्यू का एक्स के लिहाज से और एक्स का टी के लिहाज से, डब्ल्यू का वाई के लिहाज से और वाई का टी के लिहाज से, डब्ल्यू का जेड के लिहाज से और जेड का टी के लिहाज से। तो यही डेरिवेटिव सिंपली कंप्यूट करें तो आपके पास डेरिवेटिव जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी लोगों ने दी है। ठीक है, तो फिर उसको आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ चेन रूल हो गई हमारे पास। अब थोड़ा सा एडवांस चेन रूल की तरफ चलते हैं। मैं इसको जरा टाइम जाए के बगैर इस पर गुजर रहा हूँ ताकि ये हम ये क्लियर हो जाए। चेन रूल फॉर टू इंडिपेंडेंट। अच्छा देखो बच्चों, खूबसूरत बात आ रही है और ये है बहुत आसान। देखो चेन रूल जो है, चेन रूल आपको ये एप्लीकेशन है, आपको मदद देता है एक लिहाज से कि जब आपका फंक्शन डायरेक्टली जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल टी पर इनसार नहीं कर रहा, मगर इनडायरेक्टली डब्ल्यू एक्स वाई जेड पर कर रहा था और एक्स वाई जेड टी पर कर रहे थे, तो डब्ल्यू में टी के लिहाज से क्या चेंजेस आएंगी। तो ये चेन रूल आपको फेसिलिटेट करता है कि उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ना, अब थोड़ा सा मसला मजीद जरा अच्छा हो गया। कैसे? क्योंकि अब डब्ल्यू एक्स वाई जेड पर कर रहा है, मगर एक्स वाई जेड एक पर नहीं, वो अब दो दो पर कर रहे हैं। जो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं वो दो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। एक्स भी आर पहले टी पर करता था, मगर अब वो आर एस पर कर रहा है। वो खुद फंक्शन ऑफ, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, आपको नजर आ रहा है। वाई भी आर एस पर और जेड भी। खुर्शीद, मेरा आपसे एक सवाल है, पहला एक्स किस वेरिएबल पर यस डिपेंड कर सर, रहा था? पर पहला एक्स सर टी पर टी पर। और अब कितने वेरिएबल्स हो गए? हाँ, टू पर तो अब सवाल ही पैदा होता है कि डब्ल्यू के अब दो दो डेरिवेटिव्स होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आर के लिहाज से और एस के लिहाज एस से। के हाँ, लिहाज से। तो ये कम से कम ये हमारे ये इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। अगर हम इसको स्किप करें और ये बाद में फ्यूचर में आ जाए सामने, तो वो कहेंगे यार ये क्यों हम नहीं जानते, तो बुनियादी बातें हैं। तो चलिए बच्चों, इसको जरा चेन रूल थ्योरम है बेसिकली, हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसका कोई डायग्राम अगर होगा तो बहुत मजा आ जाएगा। डायग्राम आगे, हाँ इसका डायग्राम आगे है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो डब्ल्यू का पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल लगेगा। पार्शियल का क्यों सिंबल लगेगा? क्योंकि डब्ल्यू इनडायरेक्टली दो दो वेरिएबल पर अब इनसार कर रहा है, आर पर भी कर रहा है और एस पर भी कर रहा है। तो ये चेंज फंक्शन जो है बेसिकली, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसका तरीका अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। W का R के लिहाज से अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए तो W का X के लिहाज से मगर X का R के लिहाज से, W का Y के लिहाज से मगर सिर्फ यहाँ पार्शल का सिंबल आ गया। क्यों? क्योंकि Y भी अब दो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो ऑर्डिनरी का सिंबल अब हट गया। यहाँ अभी Y के साथ पहले वाले में पार्शल नहीं था, ऑर्डिनरी वाला सिंबल था, मगर अब पार्शल वाला सिंबल यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं ये पहले डी था, अब पार्शल का सिंबल, क्योंकि वाई अब खुद आर एस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए, और एक्स भी कर रहा है आर एस पर, और डब्ल्यू बाकी वही फार्मूला है, मगर सिर्फ यहाँ डी के जगह पार्शल का सिंबल लग जाएगा। अच्छा, अब डब्ल्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होगा? डब्ल्यू का एक्स के लिहाज से, एक्स का एस के लिहाज से, डब्ल्यू का वाई के लिहाज से, वाई का एस के लिहाज से, डब्ल्यू का जेड के लिहाज से, डब्ल्यू का एस के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं इस पर कोई सवाल अगर है चेन रूल पर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक फार्मूला है बस। ठीक है, ये उसके डायग्राम्स हैं। इंटरमीडिएट वेरिएबल देखो डब्ल्यू अब जो है ना
तीन वेरिएबल पर, इंटरमीडिएट वेरिएबल पर इनिसार कर रहे हैं, मगर वो तीन इंटरमीडिएट खुद बजाते खुद वो दो पर कर रहे हैं इनिसार। ठीक है, तो ये उसका जो है ना डब्ल्यू है, ये देखो उसके तीन वेरिएबल पर इनिसार कर रहा है, एक्स वाई एंड जी, बट एक्स और वाई एंड जी दो दो पर कर रहे हैं, आर और एस। अच्छा, इनके इस तरह डायग्राम बनेंगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ है नहीं बच्चे, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक्सप्रेस पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आर एंड पार्शियल ये उसके दे, देखो ये हमें दो पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं चेन रूल की मदद से। डब्ल्यू डायरेक्टली, अगर हम इसी रिलेशन को देखें, डब्ल्यू डायरेक्टली, डब्ल्यू जो है ना वो डायरेक्टली आर एस पर इनसार नहीं कर रहा, मगर इसका जो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो कर रहा है। डब्ल्यू वाई पर कर रहा है, मगर वाई इनसार आर एस पर कर रहा है, आप देख रहे हैं आर एस पर, वो भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। और जेड डब्ल्यू जेड पर कर रहा है, मगर जेड आर और एस पर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डब्ल्यू का हम कैसे डेरावेटिव क्या, आर तो उसमें आर है ही नहीं, इधर इधर कोई आर नजर नहीं आ रहा, मगर उसका डेरावेटिव आर, अगर कोई कोई ये चेन रूल आप नहीं जानते, कोई ये कहे तो आप जीरो लगा देंगे, खैर इसमें तो आर है ही नहीं तो जीरो, मगर बेसिकली चेन रूल को आप अपने इस्तेमाल करना होगा। तो चेन रूल जो है डब्ल्यू का आर के लिहाज से, तो डब्ल्यू का एक्स, एक्स का आर, डब्ल्यू का वाई और वाई का आर, और डब्ल्यू का जेड, जेड का आर के लिहाज से। तो डब्ल्यू का एक्स तो आप कर सकते हैं, डब्ल्यू का भी एक्स के लिहाज से क्या डेरिवेटिव आ रहा है, डब्ल्यू के एक्स के लिहाज से क्या डेरिवेटिव आ रहा है, हाँ, सर वन और एक्स का आर के लिहाज से क्या रहा है, हाँ एक्स का आर के एक्स, लिहाज से सर हाँ हाँ सर हमारे पास 1/s हाँ 1/s, बस वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 आ गया, 1/s आ गया, सिंपल ये वैल्यूज पुट करनी है, बाकी ठीक है, आपने बिल्कुल आपने ठीक कहा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके जवाब हैं मेरे ख्याल से, और आसान है, आप इसको खुद टैकल आगे कर सकते हैं। ये दो वेरिएबल के लिए भी है, अब यहाँ डब्ल्यू दो वेरिएबल का है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ना, इसको खुद देखें, बाकी आसान है बच्चों, इसमें कुछ मसला नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन है तो इसमें कोई खास, सर ये फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, ओके सी यू देन, ठीक है बच्चों, ठीक है।